सक्सेस होना एक बात है, खुशी होना एक बात है. एवरी सक्सेसफुल पर्सन इज नॉट हैप्पी, ट्रस्ट मी, बट एवरी हैप्पी पर्सन इज सक्सेसफुल. सो पिलामन को प्रोग्राम हेले आउ मना करे नहीं, केवल गोटे दुख अच्छी मुँह जितने टॉपर है से प्रोग्राम एमती हो नाला. गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पाठ पढ़िली, हिंदी मीडियम पढ़िली, अंग्रेजी जमान जाना नाला, अंग्रेजी सीखिली यूपीएससी कला पर ओनेस्टली स्पीकिंग. बापा 8 क्लास पढ़ी, माँ 6 क्लास पढ़ी. मो पूर्व किए दशम क्लास भी पास करी नहीं, दशम भी पास है नहीं. आई वॉज वेरी वरीड कि मैट्रिक रे पक्का फेल है भी, हम खानदान के पास है नहीं. सो आई वॉज वरीड एक्चुअली फॉर, मतलब यूपीएससी तो चिंता तो किसी नहीं, मो मैट्रिक तो चिंता थी. आईएएस ही जानतु, आईपीएस ही जानतु, जहाँ ही जानतु, जीवन रे मैंने सफलता इज नॉट ए फिक्स थिंग, यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड. प्रथम मु कंग्रेचुलेशन देउची आपण मानको, जो माने जो पिला माने आज टॉपर हे की एटी बसछंती, तांकु ओ तांकरो पेरेंट्स मानको, जो जने पेरेंट एठी आस्थिले सच ब्यूटीफुली सेड, पेरेंट को कोन दरकार, माने तरो पुओ की झियो गोटे सक्सेस हेले. एंड All parents want that the child should be more successful than me. That is the ultimate thing. Bapa ma, je pilla naare bapa ma ko jana jaye, nothing like it. I can vouch for it. To tanku bhi bahut subhecha janauchi. Keval gotte acha parme ko aur apno sabu ko bhi ayojak manu ko bahut dhanyavad janauchi ki e prakar program apno karichanti, pilla man ko motivate karichanti. ए प्रोग्राम रे एमती छोटो प्रोग्राम हेले, बड़ो प्रोग्राम हेले, पिला मान को उत्साह हेले, ताकु जीवन सारा लोक भूलिबे नहीं, जीवन सारा लोक भूली पारिबो नहीं. केवल गोटे दुख अच्छी मु जितले टॉपर हेले सेतले प्रोग्राम एमती होउ नथिला. आमो टाइम रे ए प्रकार गोपाल बाबू भले चिंता वाला लोक नथिले आमो आमो टाइम रे, नाले आमे भी दि चारटा प्रोग्राम रे तो मु भी प्राइज पाई थांती, माने मो कॉलेज रे, मो स्कूल टाइम रे. So, congratulations to all of you. गोटे कथा कहिबा पाइं चाहूँछी, जो हमरो टॉपर भी कहिले, this is the beginning actually, please understand. This is the beginning of your journey. This is not the end of course. एटा जस्ट आरंभ होउछी, माने आपनो माने आरंभ करछंती. मु पुलिस रे अच्छी. आपण मैंने केते लोग आईएएस आईपीएस हम पई चाहूछंती, यूपीएससी पई किथि, हाउ मेनी पीपल आर ट्राइंग फॉर दैट? ओके, यस, नॉट वेरी मेनी, आई एम हैप्पी अबाउट इट. केते लोग कैरियर रे सक्सेसफुल होवा पई चाहूछंती, सक्सेसफुल कैरियर? ओके. केते लोग भलो मनुष्य होवा पई चाहूछंती? ओके. सो आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग. आमो टाइम रे देयर वर नॉट मेनी कैरियर ऑप्शंस. माने मु बीए करी छी, आई एम ए बैचलर ऑफ आर्ट्स, तापर ओ पाठो पढ़ी नहीं, माने या थारू बीए ना करले तो यूपीएससी अटेम्प्ट करी होबो नहीं, आउ बीए थारू आउ आगे पढ़ी नहीं. आउ जो यू हैव स्टडीड इन कैम्ब्रिज राइट, एंड यू सेड इफ यू कैन डू एनीबडी कैन डू इट, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू सेड दैट. से किंतु कैम्ब्रिज रे पढ़ी आछंती. मु आपनको आउरी भलो कथा कहू छी, मो विषय रे कहू छी. I come from a village in Rajasthan. My village is very close to Pakistan border. माने पाकिस्तान रू 70 किलोमीटर थी, सेठू पूरा एटी उड़ीसा लास्ट जाए, एटू भी 70 किलोमीटर बॉर्डर अच्छी सेपटे बे ऑफ बंगाल. सो सेठू आसी, माय टाउन और विलेज सेठी कॉलेज नथिला, देयर वाज ओनली हायर सेकेंडरी स्कूल. गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रे पाठ पढ़िली, हिंदी मीडियम रे पढ़िली, अंग्रेजी जमान जाना नथिला, अंग्रेजी सीखिली यूपीएससी कला पर ओनेस्टली स्पीकिंग, बेसी ताठारू बेसी जान नथिली. एंड शी कम्स फ्रॉम ए वेरी गुड फैमिली एज वी ऑल नो. माय पेरेंट्स आर नॉट मच एजुकेटेड. बापा 8 क्लास पढ़ी, माँ 6 क्लास पढ़ी. माय फैमिली, आई एम टेलिंग यू, व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज इफ आई कैन डू इट एनीबडी कैन, लाइक व्हाट शी सेड, आई एम जस्ट रिपीटिंग दैट. इन माय फैमिली आई एम द फर्स्ट मैट्रिकुलेट. मो पूर्व के मैट्रिक भी करना थी, आई एम फर्स्ट मैट्रिकुलेट एंड आई एम ऑल्सो फर्स्ट ग्रेजुएट. ऑब्वियसली मैट्रिक मु पढ़ी ली. मो पूर्व किए दशम क्लास भी पास करी नहीं, दशम भी पास है नहीं. एंड आई वेंट इनटू मैट्रिक एंड लेट मी टेल यू, मु पाठ ठीक थी,
तो अष्टम रे नवम रे ए सब क्लास रे मोर मार्क्स भलो थिला टॉपर थिली बापा गरो टिके गा रे भलो इज्जत अछि तो मो चाचा माने दादा माने जो माने फेल हो गले सब मैट्रिक रे से माने मोते कहउतले तमको ए टीचर माने तो बापा को डरी कि तुम पास कर दउछन मैट्रिक रे पहुंचले फेल हो जइबो मैट्रिक रे हमें फेल हो तुम्हें फेल हो सो आई वॉज वेरी वरीड कि मैट्रिक रे पक्का फेल है भी हम खानदान के पास ही नहीं सो आई वॉज वरीड एक्चुअली फॉर मतलब यूपीएससी तो चिंता तो किसी नहीं मो मैट्रिक रो चिंता थी एंड आई स्टूड इन मेरिट मो मेरिट पाइली एवरीबडी वॉज सरप्राइज माई टीचर ऑल्सो सरप्राइज एंड बट देर वॉज नो गोपाल बाबू टू गिव मी एनी अवार्ड सो लेट मी टेल यू इफ आई कैन डू इट शी वॉज वेरी मॉडेस्ट इन टेलिंग हर स्टोरी शी एज से कैम्ब्रिज पढ़ी कि वो आई एस का ही पाइबन सब तो पाइज मुझे पाउच ही किए भी पाइपर ट्रस्ट मी जहाँ घर मैट्रिक ये करी नहीं जो निजे हिंदी क्लास रे पढ़ी थी जमी अमर एटी उड़िया मीडियम जमी पी पढ़ती जो सरकारी स्कूल रे पाठ पढ़ी थी से पाई तो आपंती पाइबे नहीं सो ट्रस्ट मी एनीबडी कैन डू इट एंड लेट मी टेल यू मेनी पीपल मेड लॉट ऑफ हल्ला अबाउट दिस यूपीएससी एंड इत्ते हेले ये होबो से होबो ट्रस्ट मी किछी होबो नहीं टिके टिके पाठो पढ़ी बे गोटे पिला जो कहिला मु 18th 18 वर्ष होई गेला कोन करीबी आई जस्ट डिफर विद यू लिटिल बिट हियर न्यूज़पेपर सब पढ़ी बे न्यूज़पेपर ना पढ़ी पर मेरे केम चलियो न्यूज़पेपर ऑफिसर ठिया कहू छो न्यूज़पेपर पढ़ो नहीं एड केमती हो सो आई एम टेलिंग यू न्यूज़पेपर सब पढ़ी बे सेम थी भी कहूँ ऑन ए सीरियस नोट इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन एनी कैरियर फॉरगेट अबाउट यूपीएससी और एनीथिंग एनी कैरियर यू आर चूजिंग प्लीज रीड न्यूज पेपर्स मुझे मैंने विज्ञापन कहूँ नहीं मैंने आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग देम रीड एनी न्यूज पेपर इट्स ओके बट प्लीज डू रीड न्यूज पेपर्स एक्चुअली गिव यू लॉट ऑफ अवेयरनेस अबाउट योर सराउंडिंग्स न्यूज प्लीज गो थ्रू न्यूज एंड डोंट रीड न्यूज की सेटी दीटा लोक बड़े पिटा हेले और सेटी कौन जयदेव बिहार छक गोटे बाइक बाजीगला नोट दैट फ्रंट पेज एंड एडिट पेज आई थिंक दी पीपल विल एग्री विद मी हियर न्यूज पेपर पढ़ी हुए न्यूज पेपर गिवज यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस लॉट ऑफ अवेयरनेस अबाउट योर सराउंडिंग्स एंड इट हेल्प्स यू ए लॉट इन यूपीएससी फॉर दैट यू डोंट नीड टू रियली थिंक कि बी ए हेला पर पढ़ी कि ग्रेजुएट हेला पर पढ़ी स्टार्ट दैट वेन एवर यू वॉन्ट टू स्टार्ट दैट One more thing, as I was mentioning in the beginning, this is a very critical age. Apna jo bayas achi age, I have seen people doing very good in 10th, doing very good in 12th, and then sliding from there. So don't be in that. Because as I said, this is the beginning. From here you can build up, you can go to the top of anything. I'm not saying UPSC or whatever. जो आपनों करीबे जो भी काम आपनों करीबे परिश्रम करीबे सिंसियरली करीबे somebody gave me a like she said I remember one person gave a formula of success like people keep asking us like we also used to keep asking other people what is the formula of success so I am giving you the kids I am giving you a formula of success it is basically what she is saying I am just telling you this is a formula of success success is equal to IQ, because if you do not have a particular level of IQ, if you are below that, किसी का लेवल होगा नहीं माने जो हिंदी में बोलते हैं जड़ बुद्धि नहीं उड़िया में और भी कई शब्द मैं बोलूंगा नहीं मुझे जानी सी किंतु कहीं भी नहीं आई एम यूजिंग ए बेटर वर्ड संस्कृत वर्ड जड़ बुद्धि इफ somebody जड़ बुद्धि and of course I know you are all toppers so that you are above that category. So one is IQ. Second is hard work labor and third is luck so if somebody is really unlucky as we all know in our society in our life hue kisi jo logon ko bhagya semti thai kitte kar le bhi kichhi hue nahi so somebody and you are not in that null topper kemti hi thande to hard work that is labor iq and luck three things are required बिकॉज जिते भी तमरो कहारो जे भाग्य भलो थिबो
कहारो आई क्यू भलो थी परिश्रम जे ना करीबो एज शी सेड 99% इज हार्डवर्क जे आपण परिश्रम ना करीबे किछी पाइबे नहीं. एंड नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट आउट ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स यू कैन ओनली चेंज वन. ओनली वन इज इन योर हैंड. भाग्य को आपण चेंज करिपारिबे नहीं कि आपण आई क्यू को भी चेंज करिपारिबे नहीं. आई क्यू आफ्टर ए पर्टिकुलर एज इज फिक्स्ड. यू कैन नॉट चेंज द आई क्यू. यू कैन नॉट चेंज द लक. बट यू कैन चेंज द हार्ड वर्क. सो अल्टीमेटली इट बॉयल्स डाउन टू सेम दैट व्हाट एवर यू डू परिश्रम कले सफलता आसो निश्चय आसो मैंने फल परिश्रम फल मिलो ही मिल किसी डाउट नहीं मिलो ही मिल. यू मे फेल वन्स यू मे फेल ट्वाइस बट इफ यू आर कंसिस्टेंट देन यू विल डेफिनेटली डू इट. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से सफलता इज यू सी प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग ऑल्सो शी हैज स्टार्टेड एंड आई एम नाउ क्लोजिंग बिकॉज आई एम फाइव सिक्स ईयर्स अवे फ्रॉम माई रिटायरमेंट. ट्रस्ट मी आईएएस है जानतु आईपीएस है जानतु जहाँ ही जानतु जीवन रे मैंने सफलता इज नॉट ए फिक्स थिंग. यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड. यू हैव टू कीप वर्किंग फर्दर ऑल्सो. या नहीं आप जो दिन आईएएस पाई गले आओ आप पूरा आओ किछ करिबा दरकार नहीं. यू हैव टू वर्क. वी हैव सीन आईएएस ऑफिसर्स वी हैव सीन आईपीएस ऑफिसर्स वी हैव सीन डॉक्टर्स वी हैव सीन इंजीनियर्स जो माने से डिग्री पाइला परे भी फेल हो गले मैंने तक करियर से किसी करी पारे नहीं. मेनी पीपल यू जर्नलिस्ट नो मोर आई विल नॉट नेम एनीबडी बट यू नो ऑफिसर्स हु आर दे आर आईएएस ऑफिसर्स बट दे आर गुड फॉर नथिंग. पीपल से दे आर गुड फॉर नथिंग. सो इट इज नॉट दैट आई डोंट मीन एनी स्पेसिफिक पर्सन प्लीज एत आप हासिल लोक चिंता करेंगे कहा विषय कहूल. सो यू हैव टू वर्क. यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन इट. यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन इट. It the life gives you a particular level, then beyond that also you have to work wherever you are. If you are a good doctor, you have to keep studying, you have to keep attending conferences, you have to doing this, you have to doing that. The journalists who are writing news, all of them they are here, who are writing news, they are reading more news. Say 8-10 newspaper padhi ve tal jai khabar likhi ve. When I was subeditor, I used to read 6 to 8 newspapers every day. My newspaper, also other newspapers. So you have to keep working. Last thing I would say, आपनों ये आपनों career को देखिए, निहायती देखिए. You have 6 years. The coming 6 years will decide your life for next 60 years. ये 6 वर्ष आपनों जो परिश्रम करिए, ये 6 वर्ष जो track को रहिए, जो track रहे आपना अच्छंती वर्तमान, आपनों track को चढ़ी गले नहीं, track रहे अच्छंती वर्तमान. से ट्रैक रे किंतु ठीक चल ट्रैक माने से ये जो कोरोमंडल वाला ट्रैक नहीं माने इफ यू गो ऑन दिस ट्रैक देन 6 इयर्स वर्क फॉर 6 इयर्स एंड देन 60 इयर्स नेक्स्ट 60 विल बी वेरी कंफर्टेबल फॉर ट्रस्ट मी. और ये छः वर्षों जे अपड़ सपड़ हेले ट्रस्ट मी आई एम टेलिंग यू यू विल लाफ. वन ऑफ माई फ्रेंड्स ही केम टू मीट मी मो संगे मैट्रिक करूला से भी पास है मैट्रिक रे से बर्तन बस कंडक्टर अच्छे इज ए बस कंडक्टर. ही केम एंड मेट मी कि मोर ट्रांसफर गोटे कौन कर आई रिक्वेस्टेड समबडी. सो आई वाज वंडरिंग लाइक वी केम फ्रॉम द सेम थिंग. मे बी ही लॉस्ट ट्रैक आफ्टर ए वाइल. सो नाउ दिस इज द टाइम यू हैव टू कीप ट्रैक फॉर नेक्स्ट 6 इयर्स देन एवरीथिंग विल बी वेरी स्मूथ. आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग विल बी luxurious and cozy, but it will be smooth, I would say. Apno success hela pare, when you are achieving success in your life, please think about the society also, because success is not individual. Our country, particularly we are having this problem. In our system, success is always personal. It is not the community success. So we have to think about all of you are young people, think about environment, think about inclusiveness, think about justice. You are the people who will think about it. मैं राजस्थान से हूँ. हमारे यहाँ दिवाली बहुत अच्छा बहुत मनाते हैं. दिवाली हमारे यहाँ बहुत होता है. तो माई चिल्ड्रन आई हैव टू सन्स दे हैव रिफ्यूज टू ब्रस्ट केकर्स. हम पटाखे नहीं चलाएंगे. बट आई सेड मैं तो चलाऊँगा. मेरा तो आदत है बचपन से. 2 साल मैंने चलाया. 3rd साल मैं भी बंद कर दिया क्योंकि वो ऐसा देखते हैं मेरे को पता नहीं क्या कर रहे. मतलब आई ब्रश तो दीपावली पे पटाखे चलाते हैं, 2-4 पटाखे चलाते हैं.
वो मेरे को देखते ऐसा करके मैं उनको डर के मारे बंद कर दिया, पटाखा चल रहा, बोले एनवायरमेंट खराब हो जाएगा। दो आई टोल्ड देम आई एम रनिंग मोबस, आई एम सेविंग सो मच ऑफ एनवायरमेंट इन भुवनेश्वर। एक साल में दो पटाखे चलाए तो मेरे को ऐसे देखते हो, आई एम हेल्पिंग सो मच ऑफ एनवायरमेंट इन भुवनेश्वर। बट एनी वे आई एम सजेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, थिंक अबाउट बिगर इश्यूज ऑल्सो आफ्टर योर लाइफ, आफ्टर योर फैमिलीज लाइफ। थिंक, स्टार्ट थिंकिंग नाउ एंड कीप थिंकिंग अबाउट बिगर इश्यूज ऑल्सो ऑफ आवर सोसाइटी, जस्टिस, इंक्लूसिवनेस, इक्वलिटी, एनवायरमेंट एंड मैनी मैनी मोर थिंग्स। जो भी आपको पसंद आए, जिसमें भी आपका मन हो, पिक समथिंग, वन टू थ्री थिंग्स विच विल मेक यू ए हैप्पी ह्यूमन बींग ऑल्सो। सक्सेस होना एक बात है, खुशी होना एक बात है। एवरी सक्सेसफुल पर्सन इज नॉट हैप्पी, ट्रस्ट मी, बट एवरी हैप्पी पर्सन इज सक्सेसफुल। सो इफ यू आर हैप्पी यू आर सक्सेसफुल, दैट इज द अल्टीमेट सक्सेस। बट पीपल हु यू कैन सी दैट ही इज वेरी सक्सेसफुल, बाहर से दिखता है, अंदर से उतना खुशी होता नहीं। दैट हैप्पीनेस कम्स व्हेन यू थिंक अबाउट समथिंग बिगर देन योर सेल्फ। सो माई सजेशन टू यू, मे बी इट्स वेरी इनिशियल स्टेज, वेरी अर्ली स्टेज, बट आई मे नॉट गेट ए चांस टू स्पीक टू यू अगेन सम डे लाइक दिस। भगवान एट द टाइम ऑफ दिस ऑस्पिशियस रथ यात्रा, आई ब्लेस ऑल ऑफ यू विद लॉट ऑफ गुड हेल्थ, हैप्पीनेस एंड गुड कैरियर। थैंक यू सो मच।